में पहली बार G20 समिट आयोजित हुआ, लेकिन अफसोस ये रहेगा कि भारत के वफादार दोस्तों में से एक देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल होने नहीं आए। हालांकि उन्होंने अपनी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुतिन अपनी मर्जी से नहीं आए या फिर उनके भीतर G20 को लेकर कोई नाराजगी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी पुतिन नहीं आए थे। दरअसल माना यह जा रहा है कि सिर्फ एक वजह से पुतिन देश के बाहर यात्रा करने से कतरा रहे। 24 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन की वजह से युद्ध अपराधी घोषित किया था। उनके खिलाफ यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले जाने के आरोप लगाए गए थे और 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। यह वारंट यूक्रेन में युद्ध अपराध को लेकर जारी किया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 देश सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका भी ICC का सदस्य है। जैसा कि हमने बताया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देशों में एक दक्षिण अफ्रीका भी है। अगर पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए ICC जाते तो उनकी वहां पर गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद अगर पुतिन भारत आते तो ICC पुतिन की गिरफ्तारी के लिए भारत से अपील कर सकता था। ये बात दूसरी है कि भारत ICC की उस अपील पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चौथे जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 का पेच फंस जाता, जिस वजह से युद्ध अपराध जैसे मामलों को जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 1949 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था और भारत ने इस पर दस्तखत किए थे। इसके अंतर्गत हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मामलों में अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करे और आरोपी पर मुकदमा चलाए या फिर दूसरे देश को प्रत्यर्पित करे। जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 के तहत भारत में भी ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने और सजा देने का प्रावधान है। हालांकि इस कानून के अंतर्गत कोई भी अदालत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, और यही कारण है कि पुतिन इन खतरों को देखते हुए ना ही ब्रिक्स में हिस्सा लेने गए और ना ही G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए।